Hey you guys, welcome to my channel. Hope you guys are doing well. If you are watching my video for the first time, please take a moment to subscribe my channel. Also press the bell icon because मैं अपने channel पर आपको बहुत सारी ऐसी trendy eye makeup, makeup के hacks, tricks and technique बताऊंगी. तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. आप देख रहे होगे ये आई मेकअप बहुत सटल सा आपको ग्लिटर विंग लाइनर के साथ है, तो बहुत इजी वे में मैंने इसे बताया है. तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जंप इनटू द वीडियो. फॉर द ब्रो आई एम यूजिंग हियर मिनी स्लैंट ब्रश. मिनी स्लैंट ब्रश गाइज एक साइड से लंबी होती है एंड अनदर साइड से थोड़ी छोटी होती है. ऐसे ब्रश के साथ ही आप ब्रो को डिफाइन किया करो, इससे काफ़ी अच्छे से ब्रो डिफाइन हो जाएगी. एंड जो मैं यहाँ प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ ये है PSE की ब्रो डिफाइनर. काफ़ी अच्छी है प्लस पिगमेंटेड है. जब भी आप ब्रोज के इनर में डिफाइन कर रहे होते हो तो आप अपने ब्रोज के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करो, इससे आपकी ब्रोज जो है काफ़ी नेचुरल लगती है, फेक टाइप नहीं लगेगी. ऐसे ही जैसे मैं यहाँ डिफाइन कर रही हूँ वैसे डिफाइन करोगे. एंड मैं तो यहाँ फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ, ये कंसीलर के लिए यूज़ करा है. जो मैंने यहाँ कंसीलर यूज़ करा है ये मेबलिन की इन द शेड आइवरी. आइवरी शेड इसलिए इससे आपके कलर्स काफ़ी अच्छे से पॉपअप होकर आएंगे एंड आपके जो भी शेप होगी उस अकॉर्डिंग ही शेप को मेंटेन करके कंसील करोगे. अगर ब्रोज के अराउंड ग्रोथ होगी तो इसी कंसीलर की हेल्प से कंसील कर सकते हो. फिर मैंने इसको लॉक किया है वाइट आई शेडो के हेल्प से. फिर मैंने लिया है ये फ्लैट फ्लपी ब्रश. फ्लैट ऐसे आती है फ्लैट साइज में बट थोड़ी सी फ्लपी रहती है. इससे मैंने ब्लैक कलर का आई शेडो लिया है एंड मैं अपने आउटर कॉर्नर पे डैबिंग मोशन में लगाई हूँ. डैबिंग मोशन में आप इसको ब्लेंड करोगे बिल्कुल हल्के हाथों से, ऐसे ब्लेंड करना है आपको. फिर मैं यहाँ ले रही हूँ फ्लपी ब्रश. ऐसे फ्लपी ब्रश से आप जब भी ब्लेंडिंग करते हो टू कलर्स, दो कलर के साथ में जब भी आपको ब्लेंडिंग करनी हो तो ऐसा प्रिसाइज फ्लपी ब्रश के साथ ब्लेंडिंग किया करो. एंड जो मैं यहाँ पर आई शेडो ली हूँ ये है ब्राउन कलर की. इसको मैं अपने ब्लैक कलर के आई शेडो के साथ उसको ब्लेंड कर रही हूँ. और जब भी आप ब्लेंड करोगे तो आप अपने ब्रश के जो है हैंडल पार्ट को पकड़ो, उसके जो हैंडल पार्ट आते हैं सबसे आउटर जो पार्ट होते हैं आप उसको पकड़ोगे एंड उसी की हेल्प से ब्लेंड करोगे तो काफ़ी अच्छी ब्लेंडिंग हो जाएगी. फिर मैंने यहाँ पर लिया है ऑरेंज कलर का आई शेडो एंड इन तीनों कलर को बहुत अच्छे से एक आपस में एक दूसरे में अच्छे से ब्लेंड करना है. कुछ भी ऐसा अलग से नहीं दिखना चाहिए. क्रीज कट करने के लिए मैंने लिया है मिनी फ्लैट ब्रश. ऐसे ही मिनी फ्लैट ब्रश के साथ आप क्रीज को कट करोगे, इससे काफ़ी अच्छे से क्रीज कट हो जाती है. एंड जो मैं यहाँ कंसीलर यूज़ कर रही हूँ ये है मेबलिन की, वही सेम जिसे मैंने अपने आई बेस पे लगाया था वही सेम कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ. आप जब भी क्रीज कट करोगे तो आप बिल्कुल हल्की सी प्रोडक्ट के साथ, जैसे मैं अभी गाइडलाइन बना रही हूँ, अभी मैंने फिल नहीं किया है उसको, अभी जस्ट मैं गाइडलाइन बना रही हूँ. आपके जो रियल क्रीज होंगे अगर आप ओपन करते हो आईज़ और आपके क्रीज बिल्कुल अंदर चले जाते हो तो आप हल्की सी ऊपर से क्रीज कट करोगे. इन केस अगर आप ओपन करने पे आपकी क्रीज जो है काफ़ी अच्छे से विजिबल होती है तो आप अपने रियल क्रीज के पास से कट करोगे. एंड फिर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ वाइट आई शेडो. मुझे यहाँ वाइट आई शेडो लगाना था इसलिए मैंने वाइट आई शेडो लगाई. अगर आपको कोई भी कलर की पिगमेंट लगानी हो तो आप डायरेक्ट से स्टिक करोगे, इससे पिगमेंट काफ़ी अच्छी आएगी. कॉर्नर पर मैंने ब्लैक कलर का आई शेडो हल्का सा स्मज किया है, फिर सेम ऑरेंज कलर के साथ उसको ब्लेंड करूंगी. थोड़ा थोड़ा ऑरेंज जो आई शेडो है उसको इनर की तरफ हल्का सा ले गई हूँ, ऊपर साइड से जहाँ से मैंने क्रीज कट किया था वहीं से. आज लाइनर हम डायगोनल लाइनर लगाने वाले हैं. जैसे आप डायगोनल शेप देखते होगे वैसे ही शेप में आज हम लाइनर लगाएंगे. काफ़ी प्रिसाइजली लगाना है आपको बहुत आराम से. अगर आप सेल्फ पे खुद पे कर रहे हो तो आपको फर्स्ट टाइम में मे बी प्रॉब्लम आएगी बट आप ट्राई करोगे तो हो जाएगी. ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, आपको ट्राई करना पड़ेगा. ऐसा स्लैंट वे में आपको लगाना है बिल्कुल डायगोनली एंड इनर को मैं ब्लॉक कर रही हूँ हल्का सा एकदम. फिर आउटर पे थोड़ा सा ब्लैक आई शेडो के साथ उसको स्मज कर रही हूँ. आज मैंने कोई विंग नहीं बनाना, आप भी विंग नहीं बनाओगे, ऐसा डायगोनल लाइनर लगाओगे एंड आउटर पे हल्का स्मज करोगे.
फिर जहाँ पे मैंने विंग बनाया था वहीं पे आज ग्लिटर स्टिक कर रही हूँ। ये जो ग्लिटर है प्रेस ग्लिटर है। प्रेस ग्लिटर को गाइज ऐसे ग्लू की नीड नहीं होती है, आपका ऐसे ही वो स्टिक हो जाता है। लूज ग्लिटर जो होती है उसको ग्लू की नीड होती है। लैसेज एंड मस्कारा लगाने के बाद ये थी गाइज मेरी एंड लुक। अगर आपको मेरी लुक पसंद आ रही है देन प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप। इन केस यू आर गोइंग टू रिक्रिएट दिस लुक देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू टैग मी और सेंड मी द पिक्चर ऑन माई इंस्टाग्राम। आई वुड लव टू सी। You can also subscribe my channel for more such videos. Hopefully guys, I see you in my next video. Till then, bye bye, stay tuned, stay safe.